हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मोर ऑन टक्स पेंट, जिसमें हम स्टार्टिंग टक्स पॉइंट, पार्ट्स ऑफ टक्स पेंट विंडो, टक्स पेंट टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चों, उससे पहले एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर कुछ जंबल वर्ड्स लिखे हुए हैं, जिन्हें लेटर्स को रीअरेंज करके हमें न्यू वर्ड्स बनाना है, या पेंट टूल के, टक्स पेंट टूल के नाम लिखने हैं। जैसे उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, पहला है सेव, SAVE सेव। दूसरा है ओपन, OPEN। तीसरा न्यू, NEW। और चौथा इरेजर, ERASER। तो बच्चों, आपने सीखा है कि टक्स पेंट प्रोग्राम के बारे में कि किस तरह से सिंपल ड्राइंग इसमें बन जाती है। अब हम सीखते हैं कि टक्स पेंट को के किस तरह से दूसरे टूल यूज किए जाते हैं और ब्यूटीफुल ड्राइंग बनाई जाती है। स्टार्टिंग टक्स पॉइंट, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। टक्स पॉइंट को, टक्स पेंट को खोलने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम को चूज करना है। फिर टक्स प्रोग्राम को सेलेक्ट करके टक्स पेंट ऑप्शन को चूज करना है। पार्ट्स ऑफ टक्स पेंट विंडो, तो टक्स पेंट बच्चों एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम पिक्चर्स को ड्रॉ और कलर करते हैं। इसमें हम ड्रॉइंग और पेंटिंग बहुत ही इजी तरीके से और साउंड इफेक्ट के साथ और बहुत सारे रेडीमेड टूल्स इसमें होते हैं, जिसकी हेल्प से हम इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो टक्स पेंट विंडो में ये सब पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले टूल बार, जिसमें कि ड्राइंग के सारे टूल होते हैं जो भी यूज किए जाते हैं। कलर पैलेट, इसमें अलग अलग कलर्स के होते हैं ड्रॉइंग और पेंट के लिए। डाउन एरो, इससे मूव डाउन करके हम ब्रश ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्टर पेन में से। ड्राइंग कैनवास, ये एक ब्लैंक एरिया होता है जहाँ पर कुछ भी जो हम चाहते हैं वो ड्राइंग करते हैं। सेलेक्टर पेन, इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं हर एक टूल के, जैसे अलग अलग साइज के ब्रश, पेंसिल। अप एरो से हम ब्रश में ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं सेलेक्टर पेन में। और हेल्प एरिया, इस एरिया में एक पेंगुइन टक्स होती है जो कि हर एक स्टेप पर ड्राइंग और कलरिंग में हेल्प करती है। टक्स पेंट टूल्स, तो बच्चों पिछली क्लास में हमने पढ़ा टक्स पेंट टूल को कैसे यूज किए जाते हैं। अब हम कुछ और टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल इज यूज टू ऐड टेक्स्ट, कैप्शंस और टाइटल्स। जब हमें ड्राइंग में चीजें ऐड करनी होती है तब हम इसको यूज करते हैं। उसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। टूल बार में पहले टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्टर पेन में लेटर स्टाइल या फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे। कलर पैलेट में कलर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ड्राइंग कैनवास एरिया पर माउस पॉइंटर को ले जाकर क्लिक करेंगे और फिर अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे। मैजिक टूल, मैजिक टूल इज ए कलेक्शन ऑफ टूल्स दैट इज यूज टू ऐड ए लॉट ऑफ स्पेशल इफेक्ट टू योर ड्राइंग। हमारी ड्राइंग में कुछ स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए मैजिक टूल यूज किया जाता है, जिसमें ये स्टेप्स फॉलो करे जाते हैं कि पहले मैजिक टूल पर क्लिक करके सेलेक्टर पेन से इफेक्ट चूज किया जाता है। उसके बाद माउस पॉइंटर को ड्राइंग कैनवास एरिया पर लाकर माउस को ड्रैग करके रिलीज करके अपनी ड्राइंग को क्लिक किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर में। उसके बाद स्टैम्प टूल में स्टैम्प या स्टिकर्स होते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले टूल बार में स्टैम्प टूल को क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारे स्टैम्प्स के ऑप्शन दिखाई देंगे। फिर स्टैम्प्स में प्लांट, एनिमल, पीपल, इस तरह की जो भी कैटेगरी होती है उस पर जो हम चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके एक स्टैम्प चुन सकते हैं। फिर माउस पॉइंटर को ड्राइंग कैनवास एरिया पर ले जाकर अपनी ड्राइंग कर सकते हैं। सेव टूल में जो भी ड्राइंग हमने की है उसको सेव करने के लिए सेव का निशान होता है टूल बार में, जिसको क्लिक करके हम अपनी पिक्चर को सेव कर सकते हैं। ओपन टूल में सेव फाइल को ओपन करने के लिए ओपन टूल को क्लिक करना होता है, जो भी फाइल हम खोलना चाहते हैं। उसके लिए ओपन बटन को क्लिक करके फिर जो छोटे छोटे व्यू आते हैं ड्राइंग के, जो भी सेव होते हैं उसमें से हम जो पिक्चर खोलना चाहते हैं उसको क्लिक कर सकते हैं। और फिर ओपन बटन पर क्लिक करके हम सेलेक्टेड ड्राइंग को ओपन कर सकते हैं। क्विक टूल में हम टक्स पेंट से बाहर निकलने के लिए यूज करते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहले टूल बार में क्विट बटन क्लिक करेंगे, उसके बाद एक मैसेज आएगा और वो पूछता है वाकई क्या आप रियली वांट टू क्विट, तो हम यस लिखेंगे और फिर टिक बटन आ जाएगा, तो फिर हम उससे हम यस सेव इट कर देते हैं, तो फिर हम बाहर उसे निकल सकते हैं।
थैंक यू।